देखिए किरण मेनन्दा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, ये भी अपनी राय रखने वाले हैं। इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि ये किस तरीके से संभव है कि किसी कैंडिडेट की उम्र 30 साल हो, जो सीमा है उसकी जानकारी इतनी बड़ी पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है इस वक्त, कैसे ये गड़बड़ी हो सकती है? देखिए जिस दिन पर्चा दाखिल हुआ जी, उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर सब कुछ देख लेते हैं। मैं भी तो बहुत बार चुनाव में खड़ा हुआ जी, जब चुनाव का पर्चा दाखिल करते हैं उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर सब कुछ देख लेते हैं। कोई गलती हो तो बोल देते यहाँ पर आपका गलती है। जिस दिन स्कूल का पर्चा दाखिल हुआ उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर उसका एक्सेप्ट कर लिया, तो कैसा स्कूटनी का समय इसका कैसा खारिज हुआ? ये बहुत एक साजिश है कि आदिवासी था हम लोग का जो प्रत्याशी, वो आदिवासी प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया, इसलिए जो आदिवासी का खिलाफ होना जाना चाहते हैं एक गलत मैसेज के खिलाफ चला जाएगा। किरण में नंदा जी, अगर मान लीजिए उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मना कर दिया होता, तभी भी तो यही बात थी, एक पार्टी किसी को चेहरा बनाने से पहले तो बहुत अच्छा खासा रिसर्च करती होगी। जिम्मेदार पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, आपके पास अच्छी खासी टीम होगी। लेकिन जो पर्चा को पार्टी अच्छे से देख दिया, क्यों जो किस बजे से पर्चा खारिज हुआ? वजह है उम्र 30 होनी चाहिए। किरण में नंदा जी आपको बताएं, 30 होनी चाहिए और कीर्ति 28 की है, तो वोटर लिस्ट में उम्र कितना है? ये तो अब कीर्ति आपके पार्टी से हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, ये अभी चीजें तो मीडिया के प्रकाश में नहीं आई है। वोटर लिस्ट में कितनी उम्र लिखा है ये तो मेरा जानकारी नहीं है। वोटर लिस्ट तो असली है, वोटर लिस्ट के हिसाब से तो पर्चा दाखिल होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कीर्ति की उम्र और उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी योग्यता, ये पार्टी के भीतर क्या तय की गई उनको देख करके तमाम चीजें? पार्टी सब कुछ देख के ही तो पार्टी का प्रत्याशी खड़ा किया, ये नहीं पार्टी कुछ नहीं देख के प्रत्याशी खड़ा किया, ऐसा नहीं होता। उम्र नहीं देखा क्या किरण मेनन्दा जी, ये चूक नहीं है? आपको नहीं लगता ये चूक नहीं है? देखिए उम्र नहीं देखा ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं लखनऊ में नहीं हूँ जी, मैं लखनऊ जब जाएंगे पूछ लेंगे क्यों उनका पर्चा खारिज हुआ। देखिए किसी आदिवासी महिला को आगे बढ़ाने की सोच आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या कीर्ति अकेली ऐसी महिला है? उनकी उम्र 30 साल या 30 साल से अगर कम है तो ये जिम्मेदारी किसकी है चेक करने की? देखिए वोटर लिस्ट में जो उम्र होता है इस हिसाब से पर्चा दाखिल होता है। वोटर लिस्ट में उसका उम्र तो जो है पार्टी देख के उनका पर्चा दाखिल किया। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है किरण जी, क्योंकि उनका पर्चा जब निरस्त हुआ है, जितनी जानकारी मीडिया के पास आ रही है वो मैं आपको दे रही हूँ कि उनको ये इस क्लॉज के तहत उनका पर्चा निरस्त किया गया है कि उन्होंने खुद अपनी उम्र बताई है 28 साल, जबकि एलिजिबिलिटी है, योग्यता है 30 साल की। उम्मीद है कि जब आप लखनऊ पहुंचेंगे तो इस पर जरूर जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इतनी बड़ी चूक हुई है, क्योंकि ये सारा संदेश उनके पास कीर्ति कोल के पास भी आया होगा, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। शुक्रिया किरण मेनन्दा जी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।